सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ आउटर डिस्ट्रिक्ट ने दो ऐसे मिलावटखोरों को दबोचा है जिसमें मास्टरमाइंड पहले ओला में ड्राइविंग करता था लेकिन ओला की कमाई से संतुष्ट नहीं था और महंगी गाड़ी व विंदास लाइफस्टाइल जीने के लिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में अपने एक साथी के साथ मिलकर नकली घी बनाने का धंधा करने लगा। इससे पहले कि वो नकली और मिलावटी घी के धंधे से अपने सपने पूरे कर पाते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गैंग का मास्टरमाइंड 30 वर्षीय अर्जुन कुमार व 22 वर्षीय अंशुल बंसल के रूप में हुई है। दोनों रोहिणी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से मधुसूदन, पारस, मदडेयरी व पतंजलि ब्रांड का नकली और मिलावटी 1258 किलोग्राम देसी घी के साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप कार बरामद की है। बाहरी जिला DCP समीर शर्मा ने बताया कि SMC फूड व VRS फूड लिमिटेड कंपनी के मार्केटिंग इंटेलिजेंस अधिकारी जितेंद्र सिंह ने थाना मंगोलपुरी में शिकायत दी। उनकी कंपनी के पास पारस, मधुसूदन व मिलफूड ब्रांड के देसी घी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट है, लेकिन कुछ लोग बाहरी जिले में उनके ब्रांड का नकली और मिलावटी देसी घी बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कंपनी के असली देसी घी के पैकेटों से छेड़छाड़ कर उसमें नकली घी डालकर उसे असली घी के रूप में बेच रहे हैं। थाना मंगोलपुरी में FIR संख्या 585/2022 धारा 420, 272, 273, 120B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाहरी जिला DCP समीर शर्मा के अनुसार देसी घी हर घर में इस्तेमाल होता है और नकली और मिलावटी देसी घी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा जो कि वो कथी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी जिला पुलिस ने नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करा है जिसके अंदर दो लोगों को गिरफ्तार करा है। हमारे साथ है बाहरी जिला के DCP समीर शर्मा, आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, किन लोगों को गिरफ्तार करा और किस कंपनी ने कंप्लेंट की, इन्होंने ये कार्रवाई करी। सर, इसमें हमने कंप्लेंट आई थी और हमारी जो गुप्त सूचना से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी भारी मात्रा में अडल्ट्रेटेड घी स्टोर्स में बिक रहा है। हम लोगों ने इसमें टीम बनाई, कोई 10 टीमें बनाई और एक साथ हमने कोई 10 स्टोरों में छापा मारा। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव लिए, फूड इंस्पेक्टर लिए साथ में रेड की और उसके बाद हमने कोई 1250 kg घी इसमें जब्त कर लिया है। इसके साथ हमको काफ़ी पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो ओरिजिनल घी होता है उसमें से आधा घी निकाल के उसमें डालडा भर के उसको फिर से रीपैक कर रहे हैं और रीपैक करके उसी रेट में मार्केट में ये बेचा जा रहा है और लोगों को पता नहीं है कि ये नकली है या असली है और लोग इसको असली समझ के खरीद रहे हैं और इससे उनको हो सकता है कि उनकी बॉडी में भी नुकसान हो। जिला DCP समीर शर्मा ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए नकली और मिलावटी देसी घी बनाने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए अरुण कुमार चौधरी ACP ऑपरेशंस के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अजमेर सिंह, SI प्रदीप कुमार, राजकुमार रामकिशन, हेड कांस्टेबल जगप्रवेसे, कांस्टेबल कपिल और कांस्टेबल दीपक की एक टीम का गठन किया। टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाकर सस्पेक्ट इलाके की दुकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम के कुछ सदस्य खुद सादी वर्दी में सस्पेक्ट दुकानों पर जा जाकर घी खरीदने के बहाने असली और नकली घी पहचान करने लगे। टीम को पुख्ता जानकारी मिली कि पुष्पांजी एनक्लेव में पुनीत रिटेल स्टोर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली और मिलावटी देसी घी बेच रहा है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही बाहरी जिला DCP समीर शर्मा नकली और मिलावटी देसी घी बनाने और बेचने वालों को किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहते थे। बाहरी जिला DCP समीर शर्मा ने तुरंत ही अरुण कुमार चौधरी ACP ऑपरेशंस के नेतृत्व में शिकायतकर्ता व FSO की टीम के साथ पुनीत रिटेल स्टोर पुष्पांजी एनक्लेव दिल्ली में संयुक्त रेड मारी। छापेमारी में टीम को पुनीत रिटेल स्टोर से ब्रांडेड कंपनी के 250 से अधिक नकली और मिलावटी देसी घी के डिब्बे मिले। पुनीत रिटेल स्टोर के मालिक ने पूछताछ में बताया कि अंशुल बंसल नामक एक व्यक्ति बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से ब्रांडेड कंपनी का नकली और मिलावटी देसी घी उसके स्टोर पर सप्लाई करता है। जांच टीम ने तुरंत पुनीत रिटेल स्टोर के मालिक की निशानदेही पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की जहां नकली और मिलावटी देसी घी के 720 डिब्बे मिले। पुलिस ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अंशुल बंसल को गिरफ्तार कर लिया। अंशुल बंसल ने पूछताछ में पुलिस टीम को बताया कि अर्जुन नामक व्यक्ति गैंग का मास्टरमाइंड है जो कि नकली और मिलावटी देसी घी बनाकर उसे देता था और वो आगे दुकानों पर सप्लाई कर देता था। अंशुल बंसल की निशानदेही पर पुलिस टीम ने आरोपी अर्जुन की नकली और मिलावटी देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में पुलिस को भारी मात्रा में नकली और मिलावटी देसी घी बनाने का सामान मिला जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। ये हम दो पैकेट देख रहे हैं इसके घी का है, दोनों मधुसूदन ब्रांड का घी है। ये नीचे से जब इसका पैकेट काट के इसमें मिलावट कर देते हैं तो नॉर्मली हम देखें घी का जो नॉर्मल पैकेट है उसके अंदर दोनों तरफ का जो सील है
वो एक जैसा सील है, बराबर नाप से बना हुआ जो कंपनी के लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं नकली में, तो इन्होंने इसको जब काटा तो एक तरफ से कट किया हुआ है, तो इसलिए जब पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस की बात है कि वो अगर ये ध्यान दे के देखें तो दोनों तरफ का सील अगर पैसेज पैकेट में स्पेस बराबर है तो वो जेन्युइन है, अदरवाइज ये कटिंग किया हुआ है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसके कटिंग साफ दिखाई दे रही है, उसके बाद इसको रीपैक किया गया है जो नॉर्मल पैकिंग मशीन से कर रहे हैं। लोगों को अवेयर रहना चाहिए, ये अवेयर होना चाहिए लोगों को। का मास्टरमाइंड अर्जुन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो पिछले नवंबर से नकली और मिलावटी देसी घी बनाने का काम कर रहा है और दिल्ली के बड़े लगभग 16 स्टोरों पर वो नकली और मिलावटी देसी घी सप्लाई करता था। आरोपी ने आगे बताया कि उसका बनाया ब्रांडेड कंपनी का नकली और मिलावटी देसी घी पूरी दिल्ली में फैल चुका है। पुलिस टीम ने इनके पास से नकली और मिलावटी 689 किलो पारस, 225 किलो मदडेरी, 45 किलो पतंजलि व 10 किलो दूध वाला मिलावटी देसी घी के साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप कार बरामद की है। बाहरी जिला डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि बाकी आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी 10वीं कक्षा पास 22 वर्षीय अंशुल बंसल पुत्र परवीन बंसल मकान नंबर A3/148 सेक्टर 7 रोहिणी का रहने वाला है। यह बालाजी ट्रेडिंग के नाम से कंपनी की आड़ में नकली और मिलावटी देसी घी सप्लाई करता था। गैंग का मास्टरमाइंड 5वीं कक्षा पास 30 वर्षीय अर्जुन कुमार पुत्र महेंद्र मकान नंबर D1/31 DDA फ्लैट सेक्टर 4 रोहिणी का रहने वाला है। यह एक टेम्पो और ओला चालक है। यह पहले ओला में ड्राइविंग करता था, लेकिन ओला की कमाई से संतुष्ट नहीं हुआ और महंगी गाड़ी व विंदास लाइफस्टाइल जीने के लिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में नकली घी बनाने का धंधा करने लगा। सनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।